मेरे प्रिय विद्यार्थियों प्यारे भाइयों और बहनों प्यारे साथियों प्यारे मित्रों आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस डियर फ्रेंड्स डियर स्टूडेंट्स इन टू क्लास स्टडी अबाउट द फंडामेंटल राइट गिवेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्यारे साथियों प्यारे भाई बहनों आज की कक्षा में हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन करेंगे वो महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्वपूर्ण प्रकरण है भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार या जिसको हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जिसके जिसके बारे में जानना हम सभी लोगों का हम लोग हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग जो है अपने फंडामेंटल राइट्स को जाने अपने मौलिक अधिकार को जाने इसलिए यह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह हम सभी से जुड़ा हुआ है हम सभी के अधिकारों से जुड़ा हुआ है हमारे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इसको हम सभी लोगों को अच्छी तरह से जानना चाहिए तो इसलिए आप सभी लोग आज की कक्षा में पूरी ध्यान से पूरी तन्मयता के साथ जो है आज की कक्षा में जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसमें जो है आप लोग जो है पूरे ध्यान से जो है देखिएगा पूरे ध्यान से जो है अपना स्टडी कार्य करिएगा पूरे ध्यान से पढ़ाई करिए जिससे कि आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत कुछ तो जान रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों और जो थोड़ा बहुत भूल गया होगा जो थोड़ा बहुत कमियां होंगी जो थोड़ा बहुत नहीं जान रहे होंगे वो भी जो है आज आपका स्पष्ट हो जाएगा उसके बारे में भी आप आज की कक्षा में जान जाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों प्यारे साथियों और प्रिय भाइयों और बहनों चलिए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं और आज की कक्षा को स्टार्ट करने के पूर्व अभी तक आप प्यारे भाइयों और बहनों में से प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय दोस्तों प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोज़ जो है आसानी से मिल सकें सभी वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके सभी वीडियोज़ को आप देख सकें जितना भी वीडियो है हमारा आपके कोर्स से रिलेटेड उनको आप सभी को देख पाए इसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को जिसको आप देख रहे हैं इस वीडियो को आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और साथ ही साथ इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट भी करिए और आप अपने महत्वपूर्ण बहुमूल्य सुझाव को भी दे सकते हैं साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है आपका तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुँचा सकते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों जल्दी से आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में और साथ ही साथ वीडियो को कमेंट करिए वीडियो ऊपर कमेंट करिए और जिन भाइयों और बहनों ने जिन विद्यार्थियों ने जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टू डेज क्लास प्रिय विद्यार्थियों आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं वाट आर द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रिय विद्यार्थियों यद हम लोग जो है अपने मौलिक अधिकार की बात करें फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारा संविधान बना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारे विदेशी स्रोत रहे हैं अर्थात विदोस विदेशों के जो संविधान रहे हैं दूसरे देशों के जो संविधान रहे हैं उनका उनका जो है हम लोगों ने हमारे देश के संविधान के निर्माण में विदेशों के संविधान की सहायता ली गई है विदेशों के संविधान से कुछ न कुछ जो है लिया गया है विभिन्न मुद्दों पर तो प्रिय विद्यार्थियों यदि हम लोग जो है बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की तो जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जो है इसका प्रत्यय जो है फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है जो फंडामेंटल राइट्स का प्रत्यय है मौलिक अधिकार का प्रत्यय है इसको हमारे देश की संविधान में कहाँ से लिया गया हमारे देश की संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है प्रिय विद्यार्थियों हमारे संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स का वर्णन भाग तीन के अनुच्छेद बारह से लेकर के अनुच्छेद पैंतीस के बीच में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है प्यारे भाई और बहनों प्रिय विद्यार्थियों जो हमारे संविधान का भाग तीन है इसको हम लोग कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं या भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है इसको भारत का अधिकार पत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्या है भारत के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के मूल अधिकारों का जन्मदाता भी इसे कहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों प्यारे भाइयों और बहनों जो भाग भागतीन है संविधान का जो भाग भागतीन है जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में जो है हमारे मौलिक अधिकारों हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है तो इस संविधान के भाग तीन को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टो ऑफ इंडिया कहा जाता है और साथ ही साथ इसे जो है हम लोग मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं क्योंकि ये जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वे जो है उनका वर्णन इसी भाग तीन में है इसी भाग तीन के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 से 35 है इन्हीं अनुच्छेदों के द्वारा हमको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं प्रिय विद्यार्थियों जो हमारा मौलिक संविधान था जो मूल संविधान था मूल संविधान में प्यारे भाइयों और बहनों कुल सात मौलिक अधिकार दिए गए थे परंतु प्यारे भाइयों और बहनों फोर्टी जो संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया जाता है और उस संविधान संशोधन के द्वारा एक जो अधिकार मौलिक अधिकार था जिसको हम लोग संपत्ति का अधिकार कहते थे जो कि उन्नीस अनुच्छेद इकतीस का था तो 31 और उन्नीस का तो अनुच्छेद इकतीस और उन्नीस का अर्थात संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया तो प्रिय विद्यार्थियों प्यारे भाई और बहनों जो हमारा मूल संविधान था जिसमें सात मौलिक अधिकार थे उन मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको जो है अनुच्छेद 31 एवं उन्नीस का जो अधिकार था उसको जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया अर्थात संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार न मान करके उसको जो है अब कानूनी अधिकार माना जाता है प्रिय विद्यार्थियों प्यारे भाई और बहनों भारतीय नागरिकों के चतुर्मुखी विकास के लिए संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुल छह मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं जब सात में से एक निकाल दिया गया तो कितना बच्चा प्यारे भाई और बहनों हो बच्चा तो वे छह मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये जो मौलिक अधिकार है ये नागरिकों की स्वतंत्रता के मूल अस्त्र हैं प्यारे भाई और बहनों हमारी जो फ्रीडम है जो हमारा स्वतंत्रता है हमारी स्वतंत्रता के लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये मूल अस्त्र का कार्य करते हैं प्रिय विद्यार्थियों संविधान द्वारा ऐसी स्थितियां बनाने का वायदा किया गया है जिनमें ये मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे अर्थात जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है वह ऐसी स्थितियों बनाने का ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने का वायदा करता है जिस सिचुएशन में जिस परिस्ति, जिन परिस्थितियों में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे मौलिक अधिकार होंगे वे प्रभावी होंगे प्रिय विद्यार्थियों जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे देश के सिटीजन्स को हमारे देश के नागरिकों को शोषण से बचाने तथा उनको सुखी जीवन प्रदान करने के अवसर भी प्रदान करते हैं प्यारे भाइयों बहनों फंडामेंटल राइट्स ही है जो हमको ये अधिकार देता है कि हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है अर्थात शोषण से बचाने का अधिकार और साथ ही साथ हमको एक सुखी जीवन जीने का अधिकार या सुखी जीवन प्रदान करने का अवसर भी इन फंडामेंटल राइट्स के द्वारा ही हमको मिलता है विद्यार्थियों इन्हीं मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके व्यक्ति जो है स्वयं का अपने परिवार का और अपने समाज के विकास में सहयोग दे सकता है तो प्यारे भाई और बहनों यदि हमें अपने अपने स्वयं का विकास करना है अपने परिवार का विकास करना है और अपने समाज का विकास करना है तो जो है जो हम हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान के द्वारा हमको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका प्रयोग करके हम अपना अपने परिवार और अपने समाज का विकास कर सकते हैं उसमें योगदान दे सकते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं कि वे छह मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं व्हाट आर द सिक्स फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कौन कौन से जो है छह मौलिक अधिकार दिए हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों जो पहला अधिकार है दैट इज द राइट टू इक्वलिटी द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज द राइट टू इक्वलिटी या समता का अधिकार जिसको हम लोग समानता का अधिकार भी कहते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों समता का अधिकार या समानता का अधिकार जो है यह जो है भारतीय समाज में जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को मिटाने के लिए संविधान के निर्माताओं के द्वारा जो है समता के अधिकार को क्या किया गया सबसे पहले प्रिविलेज दिया गया प्रथम स्थान दिया गया है समता के, के अधिकार को या समानता के अधिकार को या राइट ऑफ इक्वलिटी को तो प्रथम स्थान दिया गया है क्योंकि जो संविधान के निर्माता थे उनको पता था कि हमारे समाज की जो सबसे बड़ी बुराई है वो क्या है समाज में व्याप्त असमानता तो समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए समाज में व्याप्त असमानता को मिटाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समता के अधिकार को समानता के अधिकार को संविधान में प्रथम स्थान दिया है प्रिय विद्यार्थियों जो समता या समानता का अधिकार है ये समता या समानता के अधिकार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अनुच्छेद चौदह से लेकर के अनुच्छेद अठारह के बीच में समता या समानता के अधिकार का वर्णन है प्रिय विद्यार्थियों जो राइट ऑफ इक्वलिटी है वो दो जो राइट ऑफ इक्वलिटी जो है वो हमें दो महत्वपूर्ण तत्वों की गारंटी देता है दो महत्वपूर्ण बातों की गारंटी देता है वे कौन कौन सी है पहला कि इसमें सभी व्यक्तियों की समानता के आदर्श की बात कही गई है अर्थात ये जो मौलिक अधिकार है वह यह कहता है कि हमारे देश की जितने भी नागरिक हैं जितने भी व्यक्ति हैं जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वे सभी क्या है वे सभी इक्वल हैं सभी व्यक्तियों की समानता के आदर्श की बात इस मौलिक अधिकार में कही गई है और साथ ही साथ यह भी माना गया है कि व्यक्ति की जो जाति होती है जो कास्ट ऑफ द पर्सन्स होता है जो व्यक्ति की जात होती है ऐसी कुछ स्थितियां जो है वास्तविक जीवन में समानता की राह में बाधक बनती है प्रिय विद्यार्थियों प्यारे भाइयों और बहनों आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो कास्टिज्म सिस्टम है जो जातिवादी व्यवस्था है वो जातिवादी व्यवस्था अभी तक हमारे समाज में व्याप्त है और इस ये जो जातिवादी व्यवस्था है ये हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना को उत्पन्न करती है ये जातिवादी व्यवस्था जो है हमारे समाज में असमानता की भावना को उत्पन्न करती है इस चीज को संविधान ने भी माना है कि जो हमारे देश में कास्टिज्म सिस्टम है जो जातिवादी व्यवस्था है उसकी वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारे देश में समानता के राह में बाधक है तो प्यारे भाइयों और बहनों प्रिय विद्यार्थियों जो कास्टिज्म सिस्टम है या जातिवादी व्यवस्था है इस जातिवादी व्यवस्था को हमको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए यदि जातिवादी व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमारा देश जो है एक विकसित देश नहीं हो पाएगा चल दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद चौदह क्या है अनुच्छेद चौदह हमको जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है अर्थात विधि के समक्ष समता के अधिकार से प्राय है कि हमारे देश का जो कानून है हमारे देश की जो लॉ है उस कानून के समक्ष उस कानून के सामने हमारे देश का प्रत्येक नागरिक समान होगा अर्थात हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए सभी nah नागरिकों के लिए एक ही प्रकार का कानून होगा कानून की निगाह में सभी लोग समान होंगे राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून कानून लागू करेगा तो प्यारे विद्यार्थियों पहला हो गया अनुच्छेद चौदह कि भारत सरकार का जो का, भारत सरकार जो है सभी नागरिकों के लिए जो है समान कानून बनाता है अर्थात कानून की निगाह में कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं अगला है प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद पंद्रह अनुच्छेद पंद्रह कहता है धर्म नस्ल जात लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का प्रावधान करता है तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा जो देश है हमारा जो राज्य है जो कानून है तो राज्य के द्वारा धर्म मूल वंश जात लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा विद्यार्थियों यह जो बिंदु है अनुच्छेद पंद्रह यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद पंद्रह कह रहा है कि जो हमारा राज्य है वह किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के या रिलीजन के आधार पर उसका जो नस्ल है या उसकी जो मूल वंश है उसके आधार पर या उसकी कास्ट या जात के आधार पर उसके लिंग या जेंडर के आधार पर या उसके बर्थ बर्थ प्लेस या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है प्रिय विद्यार्थियों जो अनुच्छेद पंद्रह है यह कह रहा है कि राज्य के द्वारा धर्म मूलवंश जात लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी अवसर की समता होगी अर्थात जो हमारा देश है हमारे देश या राज्य के अधीन जो भी कोई पद सरकारी पद या सरकारी नौकरियां आती हैं उसमें जो है सरकारी नौकरियों में सरकारी पदों में जो है जो नियुक्ति होगी उस नियुक्ति के मामले और नियुक्ति के विषयों में हमारे देश के सभी नागरिकों का क्या होगा समान अधिकार होगा सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे अर्थात यहाँ पे जो है और लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की बात कही जा रही है अनुच्छेद सोलह के द्वारा फिर विद्यार्थियों यहाँ पे जो हम लोग अनुच्छेद सोलह के द्वारा समान अवसर प्रदान करने की बात कर रहे हैं वहाँ पे यदि हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो जो भी सरकारी गवर्नमेंट्स की जॉब आती हैं उन जॉब्स में कुछ रिजर्वेशन की बात कही जाती है तो जो रिजर्वेशन एससी सी एस टी ओ बी सी या इस समय जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिल रहे हैं ये अपवाद हैं अपवाद के स्वरूप हैं अर्थात जो है ये एक स्पेशल जो है प्रोविज़न किया गया है एससी सी एस टी ओ बी सी एंड स्पेशल जो ए, 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 वीकर सेक्शन है जिसमें जो है जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं जो है उनको भी जो है आजकल रिजर्वेशंस प्रदान किया जा रहा है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और ओ बी एसटी सी एस टी को जो आ, रिजर्वेशन दिया जा रहा है वह क्या है एक अपवाद है और यदि इस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो गवर्नमेंट्स की जो जॉब होती हैं उसमें सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद सत्रह कहता है कि अस्पृश्यता का अंत के संबंध में जो है अनुच्छेद सत्र प्राविधान करता है अनुच्छेद सत्रह के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत के उन्मूलन या समाप्ति की घोषणा की गई है और किसी भी रूप में इसके पालन का निषेध है प्यारे विद्यार्थियों जो अस्पृश्यता या छुआछूत हमारे समाज में व्याप्त था उसके समाप्ति की घोषणा उसके उन्मूलन की घोषणा अनुच्छेद सत्रह में की जाती है और यदि कोई व्यक्ति छुआछूत या अस्पृश्यता को अपनाता है तो वह क्या होगा वह एक दंडनीय अपराध होगा अर्थात अस्पृश्यता या छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है कोई भी व्यक्ति जो है अस्पृश्यता या छुआछूत के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है जो है छुआछूत को जो है अब निषेध घोषित कर दिया गया है उसको दंडनीय अपराध जो है अनुच्छेद सत्रह के अंतर्गत कर दिया गया है तो दोस्तों अगला है अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 जो कहता है कि उपाधियों के अंत के संबंध में है अनुच्छेद 18 के अनुसार जो सेना या विधा से संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा अर्थात हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी जो सरकार है सिर्फ दो क्षेत्रों में जो है कोई उपाधि दे सकती है उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में उपाधियों का अंत कर दिया गया है वे दो क्षेत्र कौन कौन से विद्यार्थियों वे दो क्षेत्र है एक तो सेना या और दूसरा है किसी भी विधा के संबंध में तो जो सेना या विधा के संबंध में ही हमारे भारत सरकार के द्वारा समय समय पर भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री या सेना द्वारा परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र आज पुरस्कार जो है इसी अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं अनुच्छेद अट्ठारह के तहत ही इन उपाधियों को प्रदान किया जाता है और इसके अलावा हमारे देश का भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से बिना राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी प्रकार का कोई भी उपास स्वीकार नहीं कर सकता है प्रिय विद्यार्थियों ये तो रहा जो है हमारा पहला समता या समानता का अधिकार चलिए आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट राइट इज़ द राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार और जो स्वतंत्रता का अधिकार है प्यारे विद्यार्थियों इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किया गया है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के तहत जो है नागरिकों को स्वतंत्रताएं या फ्रीडम्स प्रदान की गई हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 19 में जो हमारा मौलिक संविधान बना था उस मौलिक संविधान में सात तरह की स्वतंत्रताएं दी गई थी लेकिन जो है उसमें संशोधन कर दिया गया है प्रिय विद्यार्थियों और जो है अब सिर्फ छह ही स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है प्रिय विद्यार्थियों जो मौलिक संविधान में सात स्वतंत्रता थी उस स्वतंत्रता में जो अनुच्छेद 19 यफ था 19 यफ था जिसमें जो है संपत्ति के अधिकार की बात कही गई थी इसको चवालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा उन्नीस में हटा दिया गया तो प्रिय विद्यार्थियों हमने पहले भी आपको बताया था कि जो है जो संपत्ति का अधिकार है इस संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार में या मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है और इसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है तो प्यारे विद्यार्थियों प्यारे भाई और बहनों अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में वे कौन कौन से छह अधिकार हमको दिए गए हैं तो जो छह स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं उसमें जो पहला है प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद उन्नीस ए के तहत भाषण देने या बोलने की स्वतंत्रता या हमको अभिव्यक्त की स्वतंत्रता प्रदान करता है इसके तहत जो है हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर जो है हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं विचारों को व्यक्त करने विचारों को प्रकट करने या उन मुद्दों के संबंध में लिखने के सम के लिए या बोलने की स्वतंत्रता हमको प्रदान की जाती है और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों जो हमारा मीडिया होता है जो हमारा प्रेस होता है उस प्रेस को भी मीडिया को भी स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है वह स्वतंत्रता भी अनुच्छेद उन्नीस ए के तहत ही प्रदान की गई है प्रिय विद्यार्थियों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद उन्नीस बी और अनुच्छेद उन्नीस भी जो हमें स्वतंत्रता देता है वह कह रहा है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता अर्थात जो हम लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं या जो हम लोग सभा करते हैं तो हमें सभा करने का अधिकार है लेकिन हम सभा क्या कैसे करेंगे हम सभा जो है शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे और निहत्थे या बिना किसी हथियारों के सभा कर सकते हैं संविधान हमको यह अधिकार प्रदान करता है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से और बिना हथियारों के एकत्रित होकर के सभा कर सकें और साथ ही साथ अनुच्छेद 19 सी हमें अधिकार देता है कि हम जो है अपना एक यूनियन बना सकते हैं अपनी समिति या संघ बना सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों अगला है अनुच्छेद 19 डी अनुच्छेद 19 डी जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आज़ादी से आने जाने या आवागमन की जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है इस अनुच्छेद के अनुपालन में ही हम देश के किसी भी भाग में बेरोक टोक आते जाते हैं और यह अनुच्छेद जो है हमको देश के किसी भी भाग में आने जाने या आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है प्रिय विद्यार्थियों अगला है पाँचवा उन्नीस ई और उन्नीस ई कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है इसी अनुच्छेद के तहत प्यारे विद्यार्थियों जो उत्तर प्रदेश का निवासी है वह केरल में चला जाता है मुंबई में चला जाता है या किसी भी एक प्रदेश के निवासी किसी भी दूसरे प्रदेश में जाकर के वहाँ पे वहाँ के निवासी हो जाते हैं वहाँ पर बस जाते हैं तो यह अधिकार जो है हमको संविधान के अनुच्छेद उन्नीस ई के तहत मिला है इसकी स्वतंत्रता हमको 19 ई के तहत मिली है प्यारे विद्यार्थियों अगला जो है अनुच्छेद 19 जी अनुच्छेद 19 जी जो है हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को कोई भी रोजगार कोई भी पैसा कोई भी व्यापार या कोई भी धंधा अपनाने की अपना जीविका चलाने के लिए वह स्वतंत्र है इसकी स्वतंत्रता देता है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक कोई भी व्यवसाय कर सकता है कोई भी पेशा कर सकता है अपनी जीविका को चलाने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ पे हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि पूर्व में जो हमारे यहाँ देश में कास्टिज्म सिस्टम या जातिवादी व्यवस्था आई थी वह जाति व्यवस्था इस बात पे आई थी इस मुद्दे पे आई थी कि उसका यह बेसिस था उसका यह ग्राउंड था कि जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसके कार्य के हिसाब से उसकी जात का उसकी कास्ट का निर्धारण किया गया था तो प्यारे विद्यार्थी यदि प्राचीन काल की हम बात करते हैं प्राचीन काल में जो जात व्यवस्था बनी वो जात व्यवस्था जो है जो व्यक्ति जिस जिन कार्यों को करता था उन्हीं कार्यों के अनुसार जो उनकी जात व्यवस्था बनाई गई थी परंतु प्यारे विद्यार्थियों आज के समय में यदि हम लोग देखते हैं तो आज के समय में लोगों को व्यवसाय करने का कार्य करने का धंधा करने का पूरी तरह से छूट है आज जो है लोग जो है अपने कार्य को कोई भी कार्य कर सकते हैं किसी भी कास्ट का व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को कर सकता है कहने का प्राय यह है कि यदि हम लोग देखें तो एक नाई जो है उसका कार्य बाल काटना है परंतु वह क्या कर सकता है वह जो है एक बनिए का कार्य कर सकता है वह कोई जो दूसरा व्यवसाय या धंधा कर सकता है इसी तरह यदि हम लोग जो है बात करें एक कुम्हार की लोहार की जो है इस कास्ट के व्यक्ति भी जो है दूसरे कास्ट का कार्य कर सकते हैं वे भी जो है सेना के क्षेत्र में जा सकते हैं वे भी जो है टीचिंग लाइन्स में जा सकते हैं वे भी जो है दूसरा व्यापार कर सकते हैं वे भी मेडिकल लाइन्स में जा सकते हैं तो मेरे सिर्फ कहने का अभिप्राय यह है कि आज का जो समय है आज की जो परिस्थितियाँ हैं इन परिस्थितियों में जो जब ये हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह कोई भी पेशा कोई भी व्यवसाय कोई भी व्यापार या धंधा कर सकता है तो ऐसे समय में बाई बर्थ जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी जात का मुहर लगा देना ये कहाँ तक तो उचित है यह हमारे समाज की एक बहुत ही बड़ी बुराई है जो जातिवादी व्यवस्था है हम कोई भी व्यक्ति किस जात में पैदा हो जाता है किस परिवार में पैदा हो रहा है इसमें उसकी कोई कमी नहीं है और उसके आधार पर सिर्फ उसको उस जात विशेष का तमगा दे देना उस जात विशेष का मुहर लगा देना आज के समय में गलत है यह एक सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को दूर करना चाहिए क्योंकि आज के समय में जो हमारा उन अनुच्छेद उन्नीस जी है संविधान का वह हमें कोई भी पेशा कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है तो व्यक्ति उस जात का होता है उस कास्ट का होता है जिस कास्ट के कार्य को कर रहा होता है जो पेशा वह अपनाया होता है जिस व्यवसाय को वह कर रहा होता है उसकी जात वही होती है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद बीस कहता है प्यारे विद्यार्थियों कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है विद्यार्थियों प्यारे भाइयों बहनों यह जो अनुच्छेद बीस है इसके तहत जो है हमको तीन प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद बीस जो है हमको तीन प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 20 के तहत जो है जो तीन प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको मिलती हैं वह स्वतंत्रता जो फर्स्ट है पहली स्वतंत्रता है वह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है यदि कोई अपराध करता है तो उसको सिर्फ़ एक बार ही सजा दी जा सकती है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी और जो दूसरा है सेकंड पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों इस अनुच्छेद के तहत वह कहता है कि अपराध करने के समय जो कानून लागू होगा उसी कानून के तहत उस व्यक्ति को सजा मिलेगी ना ही उस समय के उपरांत जो कानून था या उस समय के बाद जो कानून बनेगा उसके तहत उसको सजा मिलेगी अर्थात किसी भी अपराध के लिए जब व्यक्ति अपराध करता है जिस समय में अपराध करता है उस समय में जो कानून होता है उस अपराध के लिए या उस अपराध के लिए जो दंड निर्धारित होता है उसी कानून के तहत जो है उस व्यक्ति को सजा मिलेगी उसी कानून के तहत जो है उसको दंड मिलेगा तो एथ था सेकेंड और थर्ड है प्यारे विद्यार्थियों प्यारे भाइयों बहनों कि किसी भी व्यक्ति की, के किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा अर्थात जो हमारा अनुच्छेद बीस के तहत जो हमको तीसरी स्वतंत्रता मिलती है वह स्वतंत्रता यह कहती है कि हम किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते मतलब अपने ही खिलाफ़ जो है हमको हम जो है किसी को या फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वह अपने ही खिलाफ कोर्ट में जो है गवाही दे कोर्ट में जो जा के वह अपने ही खिलाफ जो है गवाही दे या अपना ही खुद का जो है वो विरोध करे तो प्यारे विद्यार्थियों ये अनुच्छेद 20 है अनुच्छेद 20 के तहत हमको तीन स्वतंत्रताएँ है मिलती हैं आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 जो कहे वह जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता था जीवन की सुरक्षा अर्थात प्राण व एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है प्रिय विद्यार्थियों जो अनुच्छेद 21 है अनुच्छेद 21 है यह किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है तो अनुच्छेद 21 जो है कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अर्थात जो नियम बनाए गए हैं जो लॉ बनाए गए हैं जो कानून बनाए गए हैं उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं जो जीवन की सुरक्षा की स्वतंत्रताएं हैं उससे जो है उसको जो है वंचित हम नहीं कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसका जो अनुच्छेद 21 का है वह हम लोगों से बहुत अधिक संबंधित है अनुच्छेद 21 जो है वह कह रहता है कि राज्य के जो छह से चौदह वर्ष के आयु के बालक होंगे जो छह से चौदह वर्ष आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की उपलब्ध कराएगा प्रिय विद्यार्थियों छियासीवें संविधान संशोधन में 2000 में छियासवें संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत अनुच्छेद 21 क में राज 6 से चौदह वर्ष के आय के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज या विद द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध करेगा तो प्रिय विद्यार्थियों जो यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात है यह किसमें कही गई अनुच्छेद इक्कीस क में कही गई है मेरे विद्यार्थियों छियासवें एटी सिक्स तो जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है छियासवें संविधान के संशोधन के द्वारा जो है हमको यहाँ पे एट्टी सिक्स छियासीवा एट्टी सिक्स संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो 2002 में हुआ अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 21 का 21 वन ए के तहत जो है निःशुल्क तथा तो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद 22 जो कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का प्रावधान देता है वे दशाएं क्या क्या हो सकती हैं प्रिय प्यारे विद्यार्थियों अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हम हिरासत में नहीं ले सकते हैं यदि जो है पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लेती है तो उसके पास तीन प्रकार की स्वतंत्रता होती है वे कौन कौन सी प्यार थी प्यारे विद्यार्थियों वह स्वतंत्रता होती है कि गौर पुलिस को जो है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा अर्थात उसको जो है हिरासत में क्यों लिया जा रहा है इसके कारणों को बताना पड़ेगा और साथ ही साथ जो दूसरा अधिकार है जो दूसरी स्वतंत्रता है वह यह है कि 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा अर्थात 24 घंटा जब जब से उसको जो है हिरासत में लिया जाता है तो जो उसमें आने जाने का जो समय होता है उसको छोड़ने छोड़ करके जो 24 घंटे का समय होता है उस 24 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को कोर्ट में या दंडाधिकारी के समक्ष पेश करने का प्रावधान है उसके पास स्वतंत्रता है और साथ ही साथ एक तीसरी स्वतंत्रता भी है अनुच्छेद बाईस में वह यह है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा अर्थात जो जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने पसंद के किसी वकील को अपने लिए कर सके तो प्यारे भाइयों और बहनों प्यारे विद्यार्थियों जो अनुच्छेद 22 है यह जो है कुछ दस्तावज में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात करता है यदि हम लोग निरोध की बात करते हैं तो निवारक निरोध होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 कि खंड तीन चार पाँच तथा छः में जो है इसके निरोध के संबंध में प्रावधान किया गया है जो निवारक निरोध होता है प्यारे विद्यार्थियों निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है अर्थात जो निवारक निरोध जो होता है इसके तहत जो है कोई व्यक्ति अपराध करे उससे ही पुरुष उसको गिरफ्तार किया जा सकता है निवारक निरोध का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उससे अपराध करने से रोकना अर्थात जो ये निरोध की बात हम लोग कर रहे हैं निवारक निरोध जो होता है किसी भी व्यक्ति को जो है अपराध से अपराध को करने से रोकने के लिए बनाया गया है वह कोई अपराध करे उससे ही पूर्व उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों जो निवारक निरोध है निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है इन सभी कारणों से किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी प्रकार का अपराध करने से पूर्व उसको गिरफ्तार किया जा सकता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला है अगली राइट है द राइट अगेंस्ट एक्स्टौर, या शोषण शोषण के सोचन के विरुद्ध अधिकार या शोषण से मुक्ति का अधिकार तो प्रिय विद्यार्थियों जो शोषण से मुक्ति का अधिकार है या शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह हमारे संविधान के अनुच्छेद तेईस व चौबीस में जो है इसका प्रावधान किया गया है संविधान का अनुच्छेद तेईस और चौबीस जो है शोषण से मुक्ति का अधिकार हमको प्रदान करता है जो अनुच्छेद तेईस से प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद तेईस के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध किया गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किया गया है इसके तहत प्यारे विद्यार्थियों किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त या खरीद और बिक्री नहीं की जा सकती है किसी भी व्यक्ति से बेगारी या बिना पैसा दिए कार्य नहीं कराया जा सकता है उससे बलात्म या फोर्सफुली हम लोग श्रम नहीं करा सकते हैं अर्थात किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है अथवा अन्य किसी भी प्रकार का शोषण निषिद्ध किया गया है और इसको घोर अपराध ठहराया गया है प्यारे विद्यार्थियों इसी अनुच्छेद में यह कहा गया है कि यह जो है आप किसी भी व्यक्ति की खरीद खरीद फरोख्त करते हैं खरीद बिक्री करते हैं उससे बेगारी कराते हैं उससे बलाश्रम कराते हैं या अन्य किसी प्रकार का शोषण करते हैं तो यह क्या है यह एक दंडनीय अपराध है तो प्यारे भाइयों बहनों प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद तेईस के तहत जो है मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों जो अगला है अनुच्छेद अनुच्छेद 24 जो कहता है अनुच्छेद 24 के तहत बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से अभिप्राय है प्यारे विद्यार्थियों कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों खदानों या अन्य किसी भी खतरनाक जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता तो प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद 24 के तहत जो है हम चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कम उम्र के बालकों को कारखानों में खदानों में या अन्य किसी खतरनाक या जोखिमपूर्ण का कार्य में नहीं लगा सकते हैं इसका प्रावधान अनुच्छेद चौबीस में किया गया है प्रिय विद्यार्थियों प्यारे भाई और बहनों प्यारे साथियों अगला जो राइट है हमारा दैट इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है तो प्रिय विद्यार्थियों जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक मिलता है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को हमें दिया गया है जो प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 25 है अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 प्रदान करता है इसके तहत प्रिय विद्यार्थियों प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने उसका पालन करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है तो प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद 25 के तहत ही हम जो है स्वतंत्र हैं कि हम किसी भी धर्म को किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं किसी भी रिलीज की रिलीजन का जो है हम लोग अनुयायी हो सकते हैं उसका हम पालन कर सकते हैं और अपने धर्म का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं इसका जो हम इसकी जो हमें स्वतंत्रता मिलती है वह जो है अनुच्छेद पच्चीस के तहत उसका प्रावधान किया गया है प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद जो 26 है ट्वेंटी सिक्स जो अनुच्छेद है वह जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है तो प्रिय विद्यार्थियों यदि हम लोग जो है आर्टिकल 26 दिया अनुच्छेद 26 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 26 जो है कहता है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना व पोषण करने विध सम्मत संपत्ति को अर्जन और स्वामित्व प्रशासन की स्वतंत्रता है अर्थात अपने धर्म से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है व्यक्ति उसका पोषण कर सकता है उसे जो है संपत्ति का अर्जन स्वामित्व प्रशासन की सु... स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत प्रदान की गई है प्रिय विद्यार्थियों इस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने उनका रखरखाव करने धर्म संबंधी स्वयं के मामलों का निपटारा करने जायदाद को प्राप्त करने और उसका प्रबंध करने धार्मिक शिक्षा देने अपनी भाषा लिप्त तथा संस्कृत आदि का संरक्षण करने की स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान की जाती है प्रिय विद्यार्थियों प्यारे भाइयों और बहनों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद सत्ताईस अनुच्छेद ट्वेंटी सेवन इसके तहत जो है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नत या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है तो प्रिय विद्यार्थियों जो अनुच्छेद 27 है अनुच्छेद 27 जो है टैक्स से रिलेटेड है कर से रिलेटेड है कर, यह कह रहा है कि हम जो है किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए हम बात नहीं कर सकते हैं जिसकी आय क्या है जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण करने में व्यय की गई हो जिन पैसों को जो है हम धार्मिक कार्यों में लगाए हैं उन पैसों के लिए जो है टैक्स देने के लिए बाध नहीं किया जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों अगला जो है नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद ट्वेंटी एट अनुच्छेद अट्ठाईस जो कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बला सुनने के हेतु बाध्य नहीं करेगा तो प्रिय विद्यार्थी यह हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 28 अनुच्छेद 28 के अनुसार ऐसे संस्थान जो कि राज्य राज्यविद से पूर्णतः पोषित हैं ऐसे संस्थानों में किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी हम सभी लोग देखते हैं कि जो गौर इंस्टीट्यूशन होते हैं जो प्योरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं प्योरली इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ऐसे जो शिक्षण संस्थान है वे अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या धर्मोपदेश को जबरदस्ती सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है तो प्रिय विद्यार्थियों यह रहा अनुच्छेद 28 अनुच्छेद 28 एट हमसे सब हम सभी लोगों से रिलेटेड है शिक्षा संस्थाओं से रिलेटेड है जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसे संस्थान जो राज्य विद से पूर्णतः पोषित होते हैं सरकारों द्वारा पूर्णतः पोषित होते हैं ऐसे राज्यों में ऐसे संस्थानों में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने धर्म धर्मोपदेश को सुनने के लिए छात्रों को जबरदस्ती जो है उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है प्रिय विद्यार्थियों प्यारे भाई और बहनों अगला है फिफ्थ राइट जो है हमारा है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यह जो अधिकार हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों जो संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है इसके बारे में जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 से लेके 30 में अर्थात अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में जो है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं जो अनुच्छेद 29 से प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 29 जो है वह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है इसके अनुसार जो है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है कोई भी माइनॉरिटी संस्था जो माइनॉरिटी ग्रुप या अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपनी भाषा अपनी लिप संस्कृत को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा जात धर्म संस्कृत के आधार पर उसे किसी भी प्रकार के शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है तो प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद ट्वेंटी नाइन जो है यह हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अनुच्छेद के तहत हम किसी भी माइनोरटीज कम्युनिटी के माइनोरिटीज कम्युनिटी या अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा के आधार पर उनकी लिप या संस्कृत के आधार पर जो है उनके जो भाषा जात धर्म या संस्कृत के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते तो जो यह अनुच्छेद 29 है वह अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा लिपि और संस्कृत को सुरक्षित रखने के उनके संरक्षण से संबंधित है उनके हितों के संरक्षण से संबंधित है प्रिय विद्यार्थियों अगला जो 30 है अनुच्छेद तीस है अनुच्छेद तीस जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है

वर्गों के द्वारा जो है ढेर सारे शैक्षिक संस्थानों को चलाया जा रहा है तो उसकी स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद तीस में दी गई है इस स्वतंत्रता के तहत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान में किसी भी तरह की कोई भी भेदभाव नहीं करेगी अर्थात जो है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद तीस में है जो कि अल्पसंख्यक वर्गों को जो है शैक्षिक संस्थान चलाने की स्वतंत्रता देता है प्रिय विद्यार्थियों अगला राइट है दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है प्यारे विद्यार्थियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसीलिए जो है इस अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है जो संविधान के उपचारों का अधिकार है इस अधिकार को जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यह अधिकार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है नागरिकों को छूट देता है कि वह अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं तथा तो अपने अधिकारों को लागू करने की मांग रख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों आए दिन जो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं अपने अधिकारों के संबंध में तो इसका जो प्रावधान किया गया इसकी जो स्वतंत्रता हमको दी गई है कि हम जो है अपने अधिकारों के संबंध में जो है अधिकारों के संरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं कोर्ट के पास जा सकते हैं इसकी छूट जो है प्यारे विद्यार्थियों हमको जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज या संवैधानिक उपचारों के तहत ही मिली है प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद 32 के तहत जो है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है तो प्रिय विद्यार्थी जो अनुच्छेद 32 32 है अनुच्छेद के तहत जो है हमको यह अधिकार मिला है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में उसके प्रवर्तन कराने के लिए समुचित कार्यवाही कराने के लिए हम जो है हाई सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को पांच तरह के रीट या लेख निकालने की शक्ति प्रदान की गई है अर्थात जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह पांच तरह के रीट या लेख जो है निकाल सकता है कौन कौन से होते हैं प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से देख लेते हैं सबसे जो पहला है प्रिय विद्यार्थियों दैट इज द रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण और इस रीट के तहत इस रीट या लेख के तहत प्यारे विद्यार्थियों यह जो है उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उससे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो है यह समझ रहा है कि उसको जो है अवैध तरीके से जो है बंदी बनाया गया है तो वह जो है इस रीट को जारी करने की प्रार्थना जो सुप्रीम कोर्ट में दे सकता है और इसके द्वारा जो है न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके कि क्या उसको सही तो, सही कारणों से जो है उसको बंदी बनाया गया है या उसको गलत तरीके से बनाया गया अर्थात अवैध तरीके से उसको बंदी बनाया गया है या वैध तरीके से बंदी बनाया गया है इसका निर्णय लेने के लिए इस रीट के तहत जो है जो हमारा न्यायालय होता है वह बंदी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जो है निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर जो है उपस्थित हो और उपस्थित होकर के उपस्थित हो जिससे कि यह न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया जा सके कि जिसको बंदी बनाया गया है उसके कारणों और विचारों पर विमर्श किया जा सके और यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वैध कारणों से उसको बंदी बनाया गया है या अवैध रूप से उसको बंदी बनाया गया है फिर विद्यार्थियों अगला है दैट इज द परमादेश या मैंडामस परमादेश या मैंडामस जो होता है विद्यार्थियों परमादेश का लेख जो है उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता अर्थात जो पदाधिकारी होता है जो सरकारी नौकर है या सरकारी अधिकारी है यदि वह अपने अधिकारों का जो है सार्वजनिक कर्तव्यों का जो उसके सार्वजनिक कर्तव्य हैं जो उसके पब्लिक ड्यूटीज़ हैं उसका निर्वाह वह नहीं कर रहा होता है ऐसे कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमादेश जारी किया जाता है और इस आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट वन इज प्रतिषेध लेख या प्रोहिबिशन रिट और प्रोहिबिशन रिट या प्रतिषेध लेख के तहत यह एक ऐसा आज्ञा पत्र है जो सर्वोच्च न्यायालय तथा तो उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करने करते हुए आदेश दिया जाता है कि उस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है

आ, रीट ऑफ सर्ट्योरारी और इसमें रीट ऑफ सर्ट्योरारी में अर्थात उत्प्रेक्षण लेख इसको कहते हैं इस लेख के तहत इस आज्ञा पत्र में सर्वोच्च न्यायालय तथा तो उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को विद्यार्थी फोर्थ ना चौथा रिट ऑफ सर्च्यूरारी या उत्प्रेक्षण लेख तो इसके तहत प्रिय विद्यार्थियों इसके द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें तो प्रिय विद्यार्थियों जो उत्प्रेक्षण उत्प्रेक्षण है या रिट ऑफ सचुरारी है इसके तहत जो है जो अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे यह है रिट ऑफ सचिरारी कि निम्न न्यायालय जो है अपने पास जो लंबित मामले हैं उसको ऊपर के न्यायालय में भेजे अर्थात जो जिला न्यायालय है वो जो क्या कहाँ भेजे भेज सकते हैं वो जो है हाई कोर्ट भेज सकते हैं हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है जबकि जो प्रतिषेध लेके या प्रोहिबिशन रीट होता है इसमें जो हायर कोर्ट्स होते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो होते हैं अपने से नीचे वाले न्यायालयों को आदेश देते हैं कि वे इन मामलों में सुनवाई ना करें क्योंकि वे मामले जो है उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं और फिर प्रिय विद्यार्थियों अगला जो है द फिफ्थ वन इज़ क्यू वारंटो क्यू वारंटो या अधिकार परीक्षा लेख अधिकार परीक्षा लेख जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता है तब जो है इस लेख को जारी किया जाता है और इस लेख के द्वारा जो है न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश को जारी करता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक जो है वह व्यक्ति इसका कोई संतोषजनक जवाब या संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तब तक उसको वह उस कार्य को करने से रोका जाता है वह उस कार्य को नहीं कर सकता तो प्रिय विद्यार्थियों यह तो था जो है अनुच्छेद बत्तीस के तहत जो पांच तरह के रीट या पांच तरह के लेख जो है जारी किए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया प्रिय विद्यार्थियों जो संवैधानिक उपचारों या राहतों का अधिकार है इस शीर्षक वाले अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35 में नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे संविधान के भाग अनुच्छेद 32 में प्रदत्त अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों अभी तक हम लोगों ने जिन पांच जो है रिट्स के बारे में बात किया जो अनुच्छेद बत्तीस में दिया गया है इसको लागू करवाने के लिए जो कोई भी व्यक्ति है देश का कोई भी नागरिक है वो कहाँ जा सकता है और न्यायालय की शरण में जा सकता है प्रिय विद्यार्थियों इसी जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ही यह इसका भी वर्णन किया गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों या मार्शल लॉ वाले इलाकों में लागू किए जाने वाले मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है तो प्रिय विद्यार्थियों इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ही हमारी गवर्नमेंट्स क्या करती है कि कभी कभी सशस्त्र बलों या मार्शल लॉ वाले इलाकों में जो मौलिक अधिकार दिए गए होते हैं नागरिकों को उसमें संशोधन कर देती है कभी कभी वहां पर कुछ पाबंदियां लगा सकती है मौलिक अधिकारों के संबंध में उसका भी जो अधिकार पार्लियामेंट या को को संसद को दिया गया है वह भी इसी जो है अधिकार के तहत है प्रिय विद्यार्थियों जो संसद मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने वाले कानूनों को लागू करने के संदर्भ में भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है अर्थात जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वे कब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स बने रहेंगे और किन विशेष परिस्थितियों में जो है उस जो है रोक लगाई जा सकती है इन सब का अधिकार जो है पार्लियामेंट को या संसद को इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है प्रिय विद्यार्थियों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके अनुसार जो है कोई भी नागरिक किसी भी अपराध का दोषी तब तक नहीं होता है जब तक कि वह कानून का उल्लंघन ना करे साथ ही साथ किसी भी एक अपराध के लिए उसे उसके ऊपर एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और यदि आपके अधिकारों का हनन यदि कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में या न्यायालय की शरण में जा सकता है तो प्रिय विद्यार्थियों प्यारे भाइयों और बहनों प्रिय साथियों आज की कक्षा में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अध्ययन किया जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया और हम लोगों ने यह देखा प्रारंभ में ही कि हमको जो है जो मूल अधिकार था उसमें सात फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे सात मौलिक अधिकार दिए गए थे परंतु जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार उस संपत्ति के अधिकार को चौवालिसवें संविधान संशोधन के द्वारा उन्नीस में उसको जो है हटा दिया गया और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसके बाद जो हमारे पास जो छह फंडामेंटल राइट्स आए उसमें सबसे पहला रहा समता या समानता का अधिकार दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार और उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा और फिर चौथा रहा प्रिय विद्यार्थियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और अंत में हम लोगों ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में चर्चा किया तो प्रिय विद्यार्थियों प्यारे भाई और बहनों प्यारे साथियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो तो आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन प्रिय विद्यार्थियों प्यारे साथी साथियों प्यारे मित्रों आप सभी लोग जो है प्यारे भाइयों और बहनों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट भी करिए और कमेंट के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव को भी हम तक देख सकते हैं अपने प्रश्नों को भी हम तक पहुंचा सकते हैं आपके जो वैल्यूएबल सजेशंस होंगे जो बहुमूल्य सुझाव होंगे उसका अनुपालन किया जाएगा साथ ही साथ हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे तो साथियों प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल प्यारे विद्यार्थियों प्यारे साथियों प्यारे मित्रों प्यारे भाइयों और बहनों आप इस चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आल को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो समय से उपलब्ध हो जाए वीडियो के संबंध में आपको नोटिफिकेशन मिल सके आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियो को समय से देख पाएँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका